तो जैसे कि समय समय पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं काफी जबरदस्त पीसी बिल्ड की वीडियोस, और ऐसे ही आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक छोटा सा मिनी पीसी बिल्ड। तो चलिए देखते हैं आज के इस पीसी बिल्ड में मैंने कौन कौन से जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट करा हुआ है, कितने प्राइस रेंज में जो है ये पूरा का पूरा हमारा बिल्ड होने वाला है, और साथ ही साथ गाइस कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको आज के इस छोटे से मिनी पीसी से मिलने वाली है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आज की इस वीडियो को देखना पड़ेगा आपको एंड तक। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये वीडियो। So, यहाँ पे आज के इस मिनी पीसी बिल्ड के अंदर जो प्रोसेसर हम लोग यूज करने वाले हैं वो एएमडी की साइड में उनका फिफ्थ जनरेशन का राइजन 5 5600X है, जो कि एक 6 कोर और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। तो अभी की हमारी जितनी भी ट्रिपल ए टाइटल्स वाली गेम्स हैं उनके अंदर आप अराउंड 19% का परफॉर्मेंस जंप देखेंगे प्रीवियस वाले 3000 सीरीज के प्रोसेसर के मुकाबले। अब यहाँ पे इस प्रोसेसर को रन करने के लिए जो मदरबोर्ड हमने चूज करा है वो ओरस की साइड में उनका B450i प्रो वाईफाई मदरबोर्ड है। हालांकि गाइस ये कोई इतना पावरफुल मदरबोर्ड नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो इनका पावर फेज डिजाइन है वो अराउंड सिर्फ 4+2 यानी मैक्सिमम 6 फेजेस का है। तो यहां पे मैं कहूंगा आपको अगर आप ओवरक्लॉकिंग से जितना दूर रह सके उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं पे इस मदरबोर्ड में सिर्फ आपको 2 ही रैम के स्लॉट मिलते हैं, 1 ही ग्राफिक कार्ड का स्लॉट है और 1 ही NVMe SSD लगाने का स्लॉट है। तो काफी ज्यादा मैं कहूंगा इसमें आपको फीचर्स लिमिटेड मिलते हैं। ये ऑब्वियस सी बात भी है क्योंकि हमें बोर्ड को छोटे से छोटा रखना है ताकि हम मिनी फॉर्म फैक्टर में बिल्ड कर सके। तो यहाँ पे हमने जो है इसके लिए ये वाला मदरबोर्ड यहाँ पे चूज करा है। अब रैम के केस में भी हम ओरस की उनकी RGB रैम्स के साथ गए हैं, 8x2 16GB की टोटल कैपेसिटी 3600MHz की फ्रिक्वेंसी के साथ। अब यहीं पे स्टोरेज के मामले में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव का यहाँ पे यूज नहीं करा है, ना ही सेटा SSDs का यूज करा है। हालांकि आप इस कैबिनेट के अंदर यहाँ पे कर सकते हो, पर मैंने जो है पूरा स्टोरेज 1TB की WD SN550 NVMe Gen 3 SSD के ऊपर ही रखा है, जहां पर हम अपनी एप्लीकेशंस और गेम लाइब्रेरी दोनों ही स्टोर करने वाले हैं और मेरे हिसाब से वो मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। अब यहाँ पे स्टोरेज के बाद गाइस हमारा जो सबसे मैं कहूँगा पावरफुल कंपोनेंट होता है एक गेमिंग पीसी बिल्ड का, वो है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो इस केस में मैंने लिया है एनवीडिया का RTX 2060 6GB ग्राफिक्स कार्ड, जो कि गीगाबाइट की साइड में उनका डुअल फैन एडिशन है। एंड मेरे हिसाब से गाइस इस बिल्ड के अंदर ये वाला ग्राफिक कार्ड शायद फिट भी हो जाएगा हमारा काफ़ी आराम से। अब वहीं पे गाइस हमारे इस सिस्टम को पावर करने के लिए जो पावर सप्लाई मैंने ली है वो कूलर मास्टर की साइड में उनकी मीनवेल सीरीज की 650 वॉट पावर सप्लाई है। दैट इज आई थिंक मोर देन इनफ टू मतलब पावर हमारा पूरा सिस्टम, जो कि काफ़ी सही भी रहने वाली है और इसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी मेरे ख्याल लॉन्गर लाइफ भी मिल जाती है कूलर मास्टर ब्रांड के अंदर, क्योंकि मैंने इसके फेलियर्स काफ़ी कम देखे हैं। अब यहीं पे ये सारे कंपोनेंट्स को हम फिट करने वाले हैं कूगर के QBX मिनी ITX कैबिनेट के अंदर। तो चलिए फिर जल्दी से जो है इन सारे कैबिनेट्स के अंदर इसके अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी जो है पीसी को फिर बनते हुए देख लीजिए।
तो यहाँ पे हमारा पीसी बिल्ड जो है वो फाइनली हो चुका है कंप्लीट, और इसके जो सुंदर सुंदर शॉट्स थे वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। और अब बात करते हैं इसके कुछ परफॉर्मेंस की, जहाँ पर हमने इस पर जितनी भी ट्रिपल ए टाइटल्स वाली गेम्स या सिंथेटिक बेंचमार्क्स वगैरह रन करे वो सभी हमने 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पर रन करे थे, जहाँ पर एक गेम, मात्र एक गेम, जो कि हमारे मित्र कह रहे हैं काफ़ी अनस्टेबल है, मतलब काफ़ी सारे हार्डवेयर के ऊपर, तो वो हमें 66 FPS दे रही थी 1080p अल्ट्रा पे। बाकी जितनी भी गेम्स थी, शेड ऑफ द टूम राइडर, CS:GO और भी जितनी सारी, वो सभी ऑलमोस्ट 100 FPS को टच कर रही थी इतने अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर। इवन अगर बात करते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क्स की, तो यूनिट इन हेवन, यूनिट इन वैली, उसमें भी आप देख सकते हो 100 FPS के आसपास है। यहीं पे बात करते हैं सिस्टम से कुछ छोटी मोटी एडिटिंग की, तो यहाँ पे ब्लेंडर में हमने BMW CPU जो है रेंडर करा, तो अराउंड 4 मिनट के आसपास लगे सीन को रेंडर होने में, विच इज़ आई थिंक ग्रेट। वहीं पर हमने जो है क्लासरूम ब्लेंडर रेंडर टेस्ट करा, तो वो कम्प्लीट हुआ अराउंड 10 मिनट के आसपास। तो मेरे ख्याल दोनों ही चीज़ों में इसकी आपको ठीक ठाक से जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। अब यहीं पे गाइज परफॉर्मेंस के बाद आप लोग जो है पूछ रहे होंगे कि ये पीसी बनेगा कितने प्राइस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हालांकि हम इसको आज ऐसे रिवील नहीं करने वाले हैं। अगर आपको जानना है कि ये पीसी कितने पैसे में बन जाएगा, तो इसके लिए आपको चेक करना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारे कंपोनेंट्स की डिटेल विद प्राइसिंग दी हुई है, और फिर आप अपना गणित लगा के जो है कैलकुलेट कर सकते हो। और इन्हीं कंपोनेंट्स के साथ अगर पीसी बनाना चाहते हो तो वेल रेडी टू गो, आप जाके बना सकते हो, सबके लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। तो मैं होप करता हूं कि आज का जो ये मिनी पीसी बिल्ड का वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस चीज़ का मुझे तब पता चलेगा जब आप नीचे लाइक बटन दबा के मुझे बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा ना यार आपको पसंद आई ये वीडियो। तो लाइक ठोको यार जितना ठोक सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लो, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस जो है पीसी बिल्ड्स की हम आपके लिए और जो है लेकर आ सकें। आप लोगों के जो नीचे कमेंट्स आप लोग करोगे ना तो मोटिवेशन देता है यार अगली वीडियो देने का, तो ज़रूर करो वहाँ पे। बाकी फिर मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह नमस्कार।